डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो बायोलॉजी का टेस्ट हुआ है, चैप्टर नंबर 22, फर्स्ट हाफ सेकंड टाइम, उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें, पहला एमसीक्यूज है द ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फ क्रॉस डिफरेंट इन वन करेक्टर्स। अब जिनमें एक करेक्टर डिस्कस होता है तो हम उसे क्या नाम देते हैं, उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। यानी कि इसमें हम मोनोहाइब्रिड्स के अंदर एक ही क्रॉस को डिस्कस करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, मोनोहाइब्रिड्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इफ़ देयर इज़ अ क्रॉस बिटवीन राउंड एंड येलो विद रिंकल एंड ग्रीन, द एफ टू गिव्स रिंकल ग्रीन। यानी कि हमने एक क्रॉस यहाँ पे देखें करवाया है कि राउंड और येलो का क्रॉस करवाया है, किसके साथ, रिंकल और ग्रीन के साथ। तो जो F2 जनरेशन है उसमें जो आपके पास रेशो आएगी रिंकल्ड ग्रीन की, वो कितनी होगी, तो याद रखिएगा कि रिंकल्ड ग्रीन हमेशा 1 होंगे। यानी कि टोटल जो आपके पास बनेंगे वो 16 होंगे, 16 में से एक जो होगा वो रिंकल्ड ग्रीन होगा। तो हमारे पास करेक्ट जो आंसर आएगा वो सी होगा, इसे हम 1/16 को काउंट करेंगे। यानी कि इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सजेस्ट दैट, कि जो सेग्रीगेशन का कानून है उसमें ईच गैमीट्स हैज डैश, कि हर गैमीट्स के पास क्या चीज़ मौजूद होती है। अब वो जो होते हैं, हमेशा आपने याद रखना है कि दो शक्लों के अंदर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपिटल टी ए में, बी में है कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखा हुआ है, सी में टी है और जो डी है उसमें लिखा हुआ है स्मॉल टी। तो इसमें जो हेटरोजेगस फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है बी, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये जो होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिस्कस करता है। उसके बाद देखें कि इफ़ टेस्ट क्रॉस गिव्स 50% डोमिनेंट एंड 50% रिसेसिव करेक्टर्स, इट मीन्स दैट पेरेंट इज डैश, कि अगर आपके पास 50% डोमिनेंट है और जो आपके पास हैं 50% जो हैं वो रिसेसिव हैं, तो उनके पेरेंट जो होंगे वो किस तरह होंगे, तो वो हमेशा हेटरोजाइगस में होंगे, हेटरोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म के अंदर मौजूद होंगे। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि ओवर डोमिनेंस इज डैश, ओवर डोमिनेंस क्या होता है, जिसमें एक अलील जो होता है वो दूसरे अलील के ऊपर हमेशा क्या रहेगा, डोमिनेंट रहेगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा, बी होगा। एन अल्बिनो वोमेन मैरिड टू नॉर्मल मेल हुज फादर वॉज अल्बिनो, द रेशो ऑफ देयर अल्बिनो इन देयर ऑफ स्प्रिंग विल बी डैश। तो वो क्या होंगे, तमाम के तमाम जो होंगे नॉर्मल होंगे। अगर मेल नॉर्मल है और फीमेल अल्बिनो है तो जो फर्स्ट जनरेशन आएगी उसमें सारे क्या होंगे, नॉर्मल। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि मेंडल वॉज बॉर्न इन द ईयर, कि मेंडल किस साल पैदा हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, 1822। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फैक्टर्स आर रिकग्नाइज्ड एज डैश, फैक्टर्स जो होते हैं उन्हें हम जीन्स कहते हैं। जीन्स इसलिए क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कैरिंग एंड ट्रांसमिटिंग द जेनेटिक मटेरियल। वैसे आपके पास क्रोमोसोम्स भी होते हैं, क्रोमेटिन जो मटेरियल है ये भी मौजूद होता है, लेकिन इनके यूनिट फॉर्म में आ जाते हैं तो इन्हें हम जीन्स काउंट कर लेंगे कि फैक्टर जो होंगे वो जीन्स होंगे। करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा आपके पास। नेक्स्ट टाइम सीक्वेंस है कि इन एफ टू जनरेशन विच फॉर्म्स आर ट्रू ब्रीड, कि कौन है जो ट्रू ब्रीड बनाते हैं, तो इसमें आपने याद रखना है डोमिनेंट फॉर्म जो भी होंगे वो ट्रू ब्रीडिंग में कहलाते हैं एफ टू जनरेशन के अंदर। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट टाइम सीक्वेंस है कि मेंडेलियन लॉज आर ओनली एप्लीकेबल व्हेन, कि मेंडेलियन जो लॉज हैं वो किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या कब इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आपने याद रखना है जब पेरेंट्स ट्रू ब्रीडिंग में हों, यानी कि ये होमोजाइगस हों, और आपके पास जो है F1 के अंदर मतलब हेटरोजाइगस जो जनरेशन हो वो प्रोड्यूस हो, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बोथ बी एंड सी होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि डिफरेंट अलील्स ऑफ अ जीन दैट आर बोथ एक्सप्रेस्ड इन अ हेटरोजाइगस कंडीशन, यानी कि मुख्तलिफ अलील्स हैं जीन के और दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उन अलील्स को क्या कहा जाता है, उन्हें हम को डोमिनेंट कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट हैपन व्हेन बोथ अलील्स ऑफ द जीन पेयर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन द हेटरोजाइगस, कि अगर आजादाना तौर पे दोनों जीन पेयर जो आपके पास मौजूद हैं उनके जो दोनों अलील्स हैं वो खुद एक्सप्रेस करते हैं खुद को, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, को डोमिनेंट्स कहलाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि ब्लड ग्रुप ए बी कैन रिसीव,
कि ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो क्या चीज़ रिसीव कर सकता है, कौन सा ब्लड ले सकता है, ए ब्लड ग्रुप बी या ओ या तमाम, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय डैश, कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है किसने दरियाफ्त किया, लैंडस्टेनर ने, पूरा नाम इसका कर्ल लैंडस्टेनर था, तो इसने दरियाफ्त किया था, बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ब्लड ग्रुप विदाउट एंटीजन, यानी कि ब्लड ग्रुप जो बगैर एंटीजेंस के मौजूद होता है वो ओ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए बी मैरिड टू अ वोमेन विद अ ब्लड ग्रुप ए, कि एक शख्स है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है और उसकी जो मैरी है, शादी है, वो ब्लड ग्रुप ए के साथ हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी फाउंड इन देयर ऑफस्प्रिंग, कि कौन सा जो है ब्लड ग्रुप उनके बच्चों के अंदर मौजूद नहीं होगा, तो वो ब्लड ग्रुप जो होगा वो ओ होगा। वो कैसे, पहले हम इस क्रॉस को बनाएंगे। देखें, आपके पास जो है ये ए बी ब्लड ग्रुप है और यहाँ पे जो है फीमेल के पास जो है वो ए ब्लड ग्रुप जो है वो मौजूद है, ये आपके पास मेल है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये आपके पास क्या है जी, फीमेल जो है वो मौजूद है। इसे हम देखते हैं आई ए आई बी से ज़ाहिर करते हैं और इसके जो हैं दो फॉर्म बनती हैं, एक को हम नाम देते होते हैं होमोजाइगस, ठीक है, और एक को हम नाम देते हैं हेट्रोजाइगस, यानी कि ये दो आपके पास जो कंडीशंस हैं वो मौजूद होती हैं, एक आपके पास होमोजाइगस बनती है और दूसरे को हम क्या नाम देते हैं, हेट्रोजाइगस कहते हैं। अब देखें, अगर हम यहाँ पे होमोजाइगस लेते हैं तो कैपिटल ए आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे कैपिटल ए, फिर यहाँ से आएंगे गैमेट्स, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में है तो कैपिटल ए आ जाएगा यहाँ से, और दूसरा जो आपके पास होगा वो क्या आ जाएगा, कैपिटल बी आ जाएगा। यहाँ से हम क्या लेंगे, गैमेट्स में देखेंगे तो ये कैपिटल क्या होगा, ए आएगा, क्योंकि ये होमोजाइगस फॉर्म के अंदर मौजूद है। फिर ये इसके साथ यहाँ पे हमारे पास बनेगा, देखें कैपिटल ए, कैपिटल ए, इसका मतलब ये होगा कि इसके पास ब्लड ग्रुप ए है, फिर ये इसके साथ मिल जाएंगे, यानी कि इसके पास जो होगा कैपिटल ए और कैपिटल बी आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि इनके पास अगर ये होमोजाइगस फॉर्म में मौजूद हैं, फीमेल जो है अगर होमोजाइगस फॉर्म में मौजूद है, तो इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें या तो ब्लड ग्रुप ए आ सकता है या ब्लड ग्रुप क्या आ सकता है, ए बी आ सकता है। इफ़ अगर बात होती है हेट्रोजाइगस की, तो हमारे पास हेट्रोजाइगस में ये कैपिटल ए और स्मॉल आई आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखें आपके पास ए बी ब्लड ग्रुप है आपके पास, तो हमारे पास कैपिटल ए और कैपिटल बी बन जाएगा। फिर क्या होगा हमारे पास, देखें यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल ए और स्मॉल आई आ जाएगा, यहाँ से फिर गैमेट से आएंगे कैपिटल ए एक, दूसरा जो होगा उसे हम क्या नाम देंगे, कैपिटल बी कहेंगे, और नेक्स्ट जो आपके पास आ जाएगा उसमें आ जाएगा कैपिटल ए और स्मॉल आई जो है ये आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये कैपिटल ए और कैपिटल ए मिल जाएंगे, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि ए ब्लड ग्रुप है। फिर आपके पास कैपिटल ए और आई मिल जाएंगे, यानी कि आपके पास इसका मतलब भी ये होगा कि ए ब्लड ग्रुप है, इस ये इसके साथ मिल जाएगा, ये बन जाएगा कैपिटल ए और आपके पास होगा कैपिटल इसमें बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, कैपिटल बी और स्मॉल आई आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये ए ब्लड ग्रुप है, ये भी क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप, यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप होगा और ये जो होगा आपके पास बी ब्लड ग्रुप होगा, यानी कि इनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो चांसेस होंगे वो ब्लड ग्रुप ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और ए बी भी आ सकता है, यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं है, तो वो ओ ब्लड ग्रुप इसमें क्या होगा, मौजूद नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, आर एच कैन बी डोनेटेड टू, कि आर एच पॉजिटिव है, यहाँ पे देखें तो आर एच पॉजिटिव जो है ये सिर्फ आर एच पॉजिटिव को दे सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। थैंक यू वेरी मच।